बहुत स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा YouTube चैनल जिसका नाम है टिप्स विद हरीश। इस वीडियो में बात होने वाली, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर जो इंसान के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, मेरा पार्टनर जैसे मेरा बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है, उस इंसान के अंदर मेरे लिए बिल्कुल खोने का डर ही नहीं है। मैं कहीं पे भी जाऊँ, किससे बात करूँ, मैं ऑनलाइन रहती हूँ या फिर ऑनलाइन रहता हूँ, मैं कहीं जाता हूँ कहीं जाती हूँ, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो कभी पूछता भी नहीं है, पूछना जरूरी नहीं समझता है, उसके अंदर खोने का डर ही नहीं है मुझे। मैं कहाँ जा रही, क्या करें, ये सारी चीज़ें उसके अंदर है नहीं, तो क्या करें जिससे मुझे खोने से डर हो, उसके अंदर भी खोने का डर हो, वो भी थोड़ा पॉजिटिव हो मेरे लिए। ये सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं, आपके पार्टनर के अंदर खोने का डर लाना चाहते हैं, तो ह्यूमन साइकोलॉजी सिर्फ ये तीन चीज़ें बोलती है कि आप सिर्फ ये तीन चीज़ें करो, सही से अगर आप इन तीन चीज़ों को फॉलो करोगे, ह्यूमन साइकोलॉजी बोलती है कि आप 100% सामने वाले के अंदर खोने का डर ला सकते हैं। लेकिन अभी तक अगर आप मुझसे पर्सनली कोई भी बात करना चाहते हैं रिलेशनशिप रिलेटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, और अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, कॉल मी फॉर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और आप मुझे कॉल कर सकते हैं टिप्स विद हरीश नाम सर्च करिए कॉल मी फॉर एप्लीकेशन पे, और आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, रिलेशनशिप रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कॉल पे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, और वो तीन पॉइंट कौन से साइकोलॉजी के वो मैं आपको बता दें। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है सिर्फ ये तीन चीज़ें आप करिए डेली, ये तीन चीज़ों से आपका जो पार्टनर जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में उसके अंदर आप खोने का डर ला सकते हो। ये तीन चीज़ें कौन से, पहला पॉइंट जो आता है Why are you showing your feelings? आप आपके फीलिंग्स शो करना बंद कर दो। जो भी आप फीलिंग्स को बता रहे हो, बाबू सोना मोना आई मिस यू लव यू, आपके बिना तो जी नहीं सकते, आपके बिना तो रह नहीं सकते, अगर आप मैसेज नहीं करते तो दिन नहीं अच्छा होता है, ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो पागलपंती, ये सारी चीज़ें आप बंद कर दो, आपके फीलिंग्स शो करना बंद कर दो। जो भी आप प्यार करते हो, जो भी आप केयर करते हो, जितना भी आप फीलिंग्स रखते हो अंदर दबा कर, इमोशंस को कंट्रोल रखो, फीलिंग शो मत करो। पहला पॉइंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपको फीलिंग शो नहीं करना उस इंसान के सामने। जितना आप फीलिंग शो करोगे उतनी आपकी वैल्यू डाउन होगी, आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा सामने वाले इंसान की तरफ से, आपकी वैल्यू करना जरूरी नहीं समझेगा। पर अगर आप ये सारी चीज़ उसको फ्री में दे रहे हो, प्यार केयर इज्जत, ये सारी चीज़ें अगर आप फ्री में दोगे और हद से ज़्यादा दोगे ना, तो सामने वाला आपको ये सारी चीज़ें बदले में देना जरूरी नहीं समझता। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप जॉब नहीं जाओगे तो पैसा नहीं आएगा, अगर आप बिना जॉब जाए पैसे मिलेंगे तो आप वैल्यू नहीं करेंगे, वैसे इंसान आप बिना कुछ किए उसको सारी चीज़ें दे रहे हो तो आपकी वैल्यू करना जरूरी नहीं समझेगा। तो पहला पॉइंट यही रहेगा कि आपको आपकी फीलिंग शो करना बंद करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो पॉइंट नंबर सेकंड होता है टेल योर सेल्फ बिजी, मतलब अपने आप को बिजी शो करो। हमारे बहुत सारे महारथी है, बहुत सारी ऐसी बहन है जो है ना निठल्ले की तरह एनी टाइम अवेलेबल रहते, क्या होता है कि जब भी उसका कॉल आए तुरंत रिसीव कर लेना, तुरंत मैसेज आए तुरंत रिप्लाई दे देना, नोटिफिकेशन आते तुरंत रिप्लाई, नहीं नहीं मेरे बाबू का कॉल आया, मेरी बच्ची का कॉल आया, तुरंत रिप्लाई करूंगा, तुरंत रिसीव करूंगा, ये सारी चीज़ों से ना वैल्यू डाउन हो चुकी है। तो आपको खुद को थोड़ा बिजी शो करना होगा अगर आप सामने वाले के नज़र में आपकी वैल्यू बनाना चाहते। आप चाहते हो कि आपको खोने से डरे, इंसान आपको खोने से तभी डरेगा जब आपकी वैल्यू उसकी नज़र में होगी, और उसकी नज़र में आप वैल्यू कैसे बना सकते हैं, आप खुद को बिजी शो कर सकते हैं। बिजी शो करने वाला जो पॉइंट है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉइंट मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि आप जितना खुद को बिजी शो करोगे उतना सामने वाला आपके बारे में पॉजिटिव होगा, उतना आपके बारे में ज़्यादा सोचना जरूरी समझेगा। अगर आप किसी के सामने ईजिली अवेलेबल होगे तो इंसान आपकी वैल्यू करना जरूरी नहीं समझेगा। तो खुद को बिजी शो करो, टेल योर सेल्फ बिजी, निठल्ले मत बनो, हर टाइम अवेलेबल मत रहो, थोड़ा वेस्ट बताओ खुद को, थोड़ा बिजी हो इस तरीके से शो करो सामने वालों को, तब सामने वाला आपकी वैल्यू करना जरूरी समझेगा, और आपको सामने से कॉल मैसेज करना जरूरी समझेगा, और आपके लिए पॉजिटिवनेस उसके अंदर अपने आप क्रिएट हो जाएगी। पॉइंट नंबर थ्री की बात करूं, पॉइंट नंबर थ्री में साइकोलॉजी ये कहती है कि डोंट एक्सेप्ट एवरीथिंग। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सही से समझना। इसमें क्या होता है कि हम जो सामने वाले का नखरे सह लेना वो नहीं सहना है। डोंट एक्सेप्ट एवरीथिंग का मतलब होता है कि हमें किसी का भी नखरा नहीं सहना है। जब भी हमारा पार्टनर होता है बोलता है इंस्टाग्राम मत यूज़ करो, ये स्टेटस मत लगा, उससे बात मत करो, लास्ट सीन हाइड मत करो, ये स्टेटस नहीं लगाना, उससे बात नहीं करना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना है, कॉल क्यों रिसीव नहीं किया, उसे कॉल मत करना, नंबर बिजी मत रखना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको कहा जाता है, और आप क्या करते हो, हाँ हाँ बाबू नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये सारी चीज़ें नहीं करनी। नखरे मत सहो, जो चीज़ वो ना बोलता है वो चीज़ आपको करनी है, लेकिन लिमिट में, हद से ज़्यादा नहीं, इसकी भी कोई लिमिट होती है, हर एक चीज़ एक्सेप्ट मत करो। इसीलिए मैंने पॉइंट में यहाँ पे क्लियरली लिखा है, आपने देखा होगा कि डोंट एक्सेप्ट एवरीथिंग, एवरीथिंग एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। कोई चीज़ें ऐसी होती है जो जरूरी है वो एक्सेप्ट करिए, बाकी सारी चीज़ें जो होती है जो हर नॉर्मली चीज़ होती है, ऑनलाइन नहीं आना, लास्ट दिन हाइड करो, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें आपको एक्सेप्ट नहीं करनी। छोटी छोटी बातें आप उसके एग्री मत करो, उसके नखरे मत सहो, जितना नखरे सहोगे उतना वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो
ये साइकोलॉजी के 3 पॉइंट्स से साइकोलॉजी कहती है, ये 3 पॉइंट सही से अगर आप फॉलो कर लेंगे तो सामने वाला जो इंसान है ना उसके अंदर पॉजिटिवनेस अपने आप क्रिएट हो जाएगी। सामने वाला अपने आप आपके लिए सोचना जरूरी समझेगा। कोई भी इंसान आपके लिए पॉजिटिव तभी होता है दोस्त जब आप उसको अपने बारे में सोचने का मौका देते हो। और आपके बारे में वो कब सोचेगा, जब आप ये 3 सारी चीज़ें करेंगे ना, ये 3 पॉइंट्स बताए अगर आप ये आप सही तरीके से अपने आपकी हरकतों चेंज कर दी ना तो 100% इंसान आपके बारे में सोचेगा। और जितना आपके बारे में सोचेगा ना, जैसे इंसान का ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है इंसान का जो माइंड होता है जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता है वो चीज़ में वो फंसता जाता है, वैसे इंसान जितना आपके बारे में सोचेगा उतना आपके बारे में फंसता जाएगा। तो अगर वो आपके बारे में सोचेगा तो 100% उसका जो सबकॉन्शियस माइंड होगा वो 100% उसको परेशान करेगा और आपके बारे में गलत चीज़ वो सोचेगा, किसी और से बात करेगा, उसके अंदर खोने का डर अपने आप क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप ये सारी हरकतें लागू करेंगे, जैसे ये हरकतें आप स्टार्ट करेंगे, एक दिन में सब कुछ होगा, 2 दिन में होगा, लेकिन धीरे धीरे 1 वीक या 2 वीक के अंदर वो जो सामने वाला इंसान है उसके अंदर 100% आप पॉजिटिवनेस और आप खोने का डर आप बिल्ड कर सकते हैं, उसके अंदर खोने का डर आप पैदा कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्लॉग चैनल का लिंक दिया, उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको अगर पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करें तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।